महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित 15वें समावर्तन संस्कार समारोह के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। अतिथि का शुभ आगमन श्री राम सभागार के इस पावन मंच पर होने जा रहा है। समावर्तन संस्कार समारोह में सभी सम्मानित अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी अतिथि से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ करने की कृपा करें। भारतीय परंपरा अनुसार आनुष्ठानिक कार्यक्रम से हम अपना सभी कार्य प्रारंभ करते हैं। अपने आराध्य एवं महापुरुषों के पुष्पांजलि के साथ आनुष्ठानिक शुभारंभ भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है। सभी अतिथि से आग्रह है कि भारत माता ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती एवं भारत के सामाजिक आध्यात्मिक परिवर्तन के अग्रदूत महायोगी श्री गोरखनाथ जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने की कृपा करें। स्वतंत्रता स्वाभिमान राष्ट्रवाद के प्रतीक राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप युग पुरुष दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर सादर भेजें। विनम्र अनुरोध है कि सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। माँ सरस्वती की आराधना पूजा के साथ इस सारस्वत आयोजन को प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय की छात्राएं शिवन्या ज्योत्सना पूजा प्रिया दीपशिखा भगीरथा Oh.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सीनियर रिसर्च फेलो हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन। सिद्ध गोलक्ष पीठ श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय सदस्य, हमारे महाविद्यालय के प्रभारी एवं शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता आदरणीय श्री प्रमथनाथ मिश्र जी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के भौतिकी विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर राजेंद्र भारती जी, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार जी, मगध विश्वविद्यालय बोधगया के प्राचीन इतिहास विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर महेश शरण जी, मध्य प्रदेश कृषक महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री संदीप जी, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्री राम जन्म सिंह जी, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पूर्व आचार्य डॉक्टर भगवान सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर टी एन मिश्र जी सहित सभी अतिथि का हार्दिक स्वागत है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं हम सब के अभिभावक प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष जी को स्मृत एवं उत्तरी भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। Thank you.
अध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर सतीश पांडे जी, भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य प्रोफेसर एस के सिंह जी का स्वागत है। साथ ही आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो महाविद्यालय के निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं कंप्यूटर से खेलने वाले बच्चे हैं। मैं मान्य अतिथियों से सादर निवेदन करती हूँ कि समावर्तन पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। प्रतिवर्ष महाविद्यालय समावर्तन नाम से पत्रिका का संपादन करता है। इस पत्रिका में महाविद्यालय की वर्ष भर की सूचनाओं का संकलन होता है। एक प्रकार से यह पत्रिका महाविद्यालय की गतिविधियों का दर्पण है। यह समावर्तन से लेकर अगले समावर्तन तक की संपूर्ण जानकारी इस पत्रिका में पाई जाती है। महाविद्यालय में समावर्तन संस्कार के अवसर पर प्रतिवर्ष कुछ विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार दिए जाते हैं। उसी क्रम में इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सरस्वती सम्मान, मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष जी से आग्रह है और प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि समावर्तन संस्कारों में सम्मानित होने वाले लोगों को सम्मानित करें। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सरस्वती सम्मान श्रीमती कविता मध्या। विद्यार्थी एकलव्य सम्मान श्री कुंवर अमन। सर्वश्रेष्ठ पुरातन छात्र स्वामी विवेकानंद सम्मान श्री संदीप पांडे। बीएससी 2011 बैच के हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद में प्राथमिक शिक्षक हैं। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी महाराणा प्रताप सम्मान श्री ब्रह्मानंद पांडे जी। सर्वश्रेष्ठ परिचर महंत अवैधनाथ सम्मान श्री रामबलन जी। कंप्यूटर प्रशिक्षण श्रेष्ठ प्रशिक्षु चेतन सम्मान तथा श्री यश पी।
ब्यूटी एंड सेल्फ केयर प्रमाण पत्र श्रेष्ठ प्रशिक्षु रानी पद्मिनी सम्मान सुश्री रीमा महाविद्यालय बोर्ड की घोषणा Thank you.
कैकेयी उपनिषद का उद्देश्य है सत्यम वद परमम चर स्वाध्यायमान प्रमदः सत्यान प्रमदितव्यम धर्मान प्रमदितव्यम कुशलान प्रमदितव्यम भूतय न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि सत्य बोलना धर्म का आचरण करना स्वाध्याय में प्रमाद न करना सत्य से न हटना धर्म से न हटना कुशल कार्य में प्रमाद न करना महान बनने के इस अवसर से न चूकना पठन पाठन के कर्तव्य में प्रमाद न करना देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद न करना माता को देवी समझना पिता को देवता समझना आचार्य को देवता समझना अतिथि को देवता समझना अन्यान दोष रहित कार्यों को करना। मैं इस महाविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि उपर्युक्त समावर्तन उपदेश का पालन करूँगा, जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करूँगा। मैं भारत का एक योग्य नागरिक बना दूंगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति मेरी निष्ठा रहेगी। मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को चोट पहुंचे। मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता तथा सगे संबंधियों की तीर्थ भूमि हो। भारत की सनातन संस्कृति में मेरी अटूट निष्ठा बनी रहेगी। भारतीय जीवन मूल्यों का सम्मान करते हुए उसके संवर्धन हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका पालन करूंगा। भारत माता की जय। Thank you.
समारोह के मुख्य अतिथि अपने आचरण एवं व्यवहार से ही हमारे महाविद्यालय को प्रेरणा देने वाले होते हैं। आज के मुख्य अतिथि भी उसी गौरवशाली परंपरा से हैं जिनके जीवन से हम और हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि वो समावर्तन को उद्बोधन देकर हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, प्रदीप राव जी, सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों, बच्चों, आमंत्रित अतिथियों और आज उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र और छात्राएं, शिक्षा संस्थाओं में आना एक पहले जैसे व्यक्तियों के लिए बड़ी गौरव की बात, साथ ही साथ जो युवा छात्र छात्राएं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जहाँ खड़े हैं वहाँ उनके साथ होना, उनके सुख में शामिल होना, उनको अपनी शुभकामनाएँ देना एक पुनीत पावन कार्य है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसके लिए आपके अनूठे महाविद्यालय और आपके प्राचार्य मार्गदर्शक मंडल मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो एक छोटी भेंट जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है कि कैसे आप अपनी योग्यता और अपनी क्षमता तीनों दिन बढ़ा सकें यहाँ से निकलने के बाद भी, वह मैं आपको देना चाहता हूँ। शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का आधार है भाषा और यह भाषा, इसका जो महत्व हमारे पूर्वजों ने, भारत के ऋषियों मुनियों ज्ञानियों ने जो समझा था, वह विश्व में कहीं 20वीं शताब्दी तक नहीं समझा गया। जिसको यथार्थ रियलिटी कहते हैं, वह भी बिना वाक के, भाषा के समझी नहीं जा सकती। और यह भारत की विशेष देन है, भाषा का यह महत्व। मैं इस महत्व को पर आपको ध्यान देने की बात कह रहा हूँ। बहुत बड़े कवि, चिंतक, ज्ञानी हुए थे आपके स्थान से निकट, बस कुछ ही दूर पूरब में उनका जन्म हुआ था आज से 111 वर्ष पहले, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। उन्होंने बड़ी सटीक बात कही थी तीन शब्दों, एक दो वाक्य, कि भाषा कल्प वृक्ष है, श्रद्धा पूर्वक उससे जो मांगो वह मुझसे वह देती है। अगर कुछ मांगा ही ना जाए तब तो कल्प वृक्ष भी कुछ नहीं देती। यह बड़ी गंभीर बात है, मैं चाहता हूं कि आप इसको हमेशा ध्यान रखें, भाषा। और यह भाषा सदैव महान साहित्य के अध्ययन से, श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन से ही मिलती है। दैनंदिन बोलचाल में, अखबार पढ़ने में, टीवी डिबेट देखने में या गपशप में आप भाषा नहीं सीख सकते, उस कल्प वृक्ष तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मेरी छोटी, उसको कहते हैं टिप्स, वो यही है कि आप में से जिनको भी थोड़ी भी साहित्य पढ़ने में रुचि हो या पढ़ने में रुचि हो, वह दुनिया का और अपने देश का जो महान साहित्य है, जिसकी संख्या सैकड़ों में है, महान साहित्य इसको क्लासिक कहते हैं, जिसकी मूल्यवत्ता कभी कम नहीं होती, ऐसा साहित्य अपनी रुचि के अनुसार, चाहे वो कथा हो, काव्य हो, नाटक हो, दर्शन हो, संस्मरण हो, बहुत विधाएं हैं। जिस भी विधा में कोई भी महान साहित्य आपको रुचते हो, उसको आप अपने पास रखें
उसको सदैव उसका कुछ न कुछ अध्ययन करते रहे। इससे आपको वह भाषा मिलेगी, शास्त्रीय भाषा, गंभीर भाषा, जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में दूसरे लोगों से, दूसरे उम्मीदवारों से, दूसरे साथियों से हमेशा आपको कुछ ऊपर रखेगी और आपकी पूरी शक्ति को बढ़ाती चलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसके उदाहरण देखे हैं कि एक साधारण विद्यार्थी, साधारण व्यक्ति सिर्फ अपनी समृद्ध सटीक सही भाषा के कारण दूसरों से अलग पहचाना गया और उसको इसका इनाम भी मिला, भौतिक भी, आत्मिक भी और दूसरे तरह का। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहता था कि इसको आप हमेशा ध्यान रखें। इस अर्थ में यह शिक्षा कभी खत्म नहीं हो, और भी उसके पक्ष है, लेकिन मैंने सिर्फ एक पक्ष का ध्यान रखा। अब आज के अवसर पर मैं आता हूँ दीक्षा या समावर्तन, इसमें कुछ उद्बोधन, कुछ उपदेश, कुछ निर्देश, मार्गदर्शन अपेक्षित होता है, जिसके लिए किसी कारण आपके प्राचार्य ने